हेलो वेलकम टू स्टडी फॉरम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइज देखिए इसमें 2018 हज़ार अठारह नोबल प्राइज़ विनर क्या क्या है उनको किस फील्ड में विनर ये दिया गया है प्राइज़ उसको देखते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर एग्ज़ाम में एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे के भी कोई एग्जाम अभी हो रहे हैं बहुत सारे और कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम है साल भर में जो भी एग्जाम्स होते हैं क्योंकि हर साल ये दिया जाता है नोबेल प्राइज़ और इसलिए हर साल जितने भी पेपर होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं खास करके बैंक के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं कहता हूँ हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको इसमें गाय हम ब्रीफ में देखेंगे और इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज देखेंगे पहले हम हिंदी में करते हैं उसके बाद लास्ट में एक बार पूरा एक साथ हम हिंदी में भी कर लेते हैं तो हिंदी इंग्लिश हम दोनों साथ में कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से तो चलिए पहले तो हम कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं जो भी नोबेल प्राइज़ का रहा है अब तक उसके बारे में हिस्ट्री एंड सेरेमनी ऑफ नोबेल प्राइज़ देखिए जो नोबेल प्राइज जो मिलता है वो एल्फ्रेड नोबेल के वजह से मिलता है एक्चुअली ये स्वीडिश केमिस्ट थे साइंटिस्ट थे इंजीनियर थे वो बहुत कुछ थे ठीक है तो ये इनका फाउंडेशन जो हुआ था नाइनटीन में ट्वेंटी सेवन्थ नवंबर को हुआ था ठीक है फर्स्ट नोबेल प्राइज़ वाज अवार्डेड इन द ईयर ऑफ 1901 1909 में जो होता है पहला नोबेल प्राइज़ मिला है दिया गया था जो कहते हैं कि नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है किसके उपलक्ष्य में दिया जाता है तो डायनामाइट के आविष्कार की वजह से मतलब इनको माना नाम जाना जाता है इसलिए नोबेल प्राइज़ दिया जाता है हर साल और नोबेल प्राइज़ नोबेल के बारे में और कहा जाए तो एल्फ्रेड नोबेल नाम के जो थे इनके बारे में बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लीजिए एल्फ्रेड नोबेल्स डेथ जो हुई थी टेंथ दिसंबर 1996 uh, में हो गई थी ठीक है उन्नीस में जो है सॉरी अठारह में 10 दिसंबर को एल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो जाती है और हर साल 10 दिसंबर को ये नोबेल प्राइज दिया जाता है लेकिन मैं बता दूं कि नोबेल प्राइज जो होता है कि एवरी अक्टूबर एवरी ईयर्स ठीक है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही अनाउंसमेंट हो जाता है किसको किसको मिलता है ऑल नोबेल प्राइजेस आर अवार्डेड इन स्टॉक्स होम सभी नोबेल प्राइजेस जो होते हैं स्टॉक्स होम में यानी कि स्टॉक्स होम की जो होता है स्वीडन की राजधानी जो है कैपिटल जो स्टॉक्स होम है आपको ये भी याद करना हो कि नोबेल प्राइज़ यहाँ भी स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉक होम है स्टॉक होम में, हो में सारे सारे के सारे प्राइजेस दिए जाते हैं सिर्फ पीस प्राइज़ जो होती है आपकी ओसलो में दी जाती है ओसलो क्या है नॉर्वे की राजधानी है ठीक है द सिक्स्थ प्राइज इकोनॉमिक्स वॉज इस्टेब्लिश इन नाइनटीन सिक्सटी एट देखिए स्टार्टिंग में जो है आपको नोबेल प्राइज जो है सिक्स फील्ड में दी जाती है ठीक है पहले जो स्टार्टिंग में नोबेल प्राइज दिया जाना स्टार्ट हो गया था वो हुआ था आपको बता दूँ सिक फाइव प्राइजेस दिए जाते हैं पांच फील्ड में दिया जाता था बाद में 1968 में एक और जोड़ा जाता है इकोनॉमिक्स में दिया जाने लगा नोबेल जो प्राइज़ जो होती है उसमें क्या दिया जाता है देखिए वो रिसीव करते हैं नोबेल डिप्लोमा उनको एक सर्टिफिकेट मेडल uh, दिया जाता है टेन मिलियन स्वीडिश क्रोन्स दी जाती है देखिए क्रोन क्या होता है कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ ले जाता है स्वीडन और ओस्लो दोनों की जो करेंसी है वो क्रोन होती है ठीक है अगर मैं इंडियन रुपीस में देखूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी प्राइस मिलती है यानी एट करोड़ के आसपास एट करोड़ एटी फोर लाख सिक्सटी टू थाउजेंड थ्री अब चलिए स्टार्ट करते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में डिटेल में देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हम देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं ठीक है ब्रीफ में देखेंगे लास्ट में हम ये भी देखेंगे हिंदी में भी तो नोबेल प्राइज़ दो के जो विनर रहे हैं मेडिसिन में दो लोगों को मिला है उनका पहला नाम है आपका जेम्स पी एलिशन जेम्स पी एलिशन को मिला गया मिला है मेडिसिन में यहाँ पे गाइस हम ट्रिक के जरिए नहीं पढ़ेंगे लास्ट में हिंदी वाला जो है उसमें हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे ट्रिक से पढ़ने का मतलब ये है कि आपके दिमाग से ट्रिक गया तो गया लेकिन यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है क्योंकि कोई कई सारे एग्ज़ाम में आपको उनके बारे में नेम को ना लेकर के किस बारे में उनको मिला गया है तो वो पूछ लेता है तो जेम्स बी एलिशन जो है ही इज़ वेल नोन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं वो अमेरिका में उनकी वो पैदा हुए थे 1948 में ही हैज़ बीन अवार्डेड फॉर नोबेल प्राइज़ फॉर हीज स्टडी एंड वर्क ऑन नोन प्रोटीन दैट फंक्शन एज अ ब्रेक ऑन द इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम पर इन्होंने इम्यूनिटी सिस्टम पे जो काम किया था उसकी वजह से इनको अवार्ड मिला मिलता है ही रियलाइज दैट अ पोटेंशियल ऑफ रिलीजिंग द ब्रेक एंड दे आर वाई योर इम्यून सेल्स टू अटैक ट्यूमर ठीक है तो इम्यून सिस्टम में ट्यूमर की की वजह से ट्यूमर को किस तरीके से सही कर सकते हैं इन्होंने बहुत अच्छा काम किया उसकी वजह से मिला है देन ही डेवलप हिज कॉन्सेप्ट इन टू न्यू अप्रोचेज फॉर ट्रीटिंग कैंसर पेशेंट्स तो इन्होंने जो प्रोटीन दैट फंक्शन एज अ बेक ऑन द इम्यून सिस्टम प्रोटीन के बारे में बताया कि प्रोटीन जो है एक फंक्शन की तरह इम्यून सिस्टम में काम करता है जिसकी वजह से हम कैंसर का इलाज किया जा सकता है ठीक है ऐसा समझिए जनरल भाषा में मैं बात करूँ तो प्रोटीन को उन्होंने इस तरीके से इस्तेमाल किया है मेडिसिन में कि उससे हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं जेम्स पी एलिशन मेडिसिन में यह पहले हैं दो लोगों को मिला है उसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं क्या है देखिए नाम थोड़ा अजीब हो सकता है प्रोनन्शिएशन में आप जो भी पढ़ाएं इसको तशाक् होंजो तशोक् होंजो या तसुक् होंजो आप कह सकते हैं नाम से ही पता चल रहा है ये होंजो या चाइना उधर के हैं तो ये जापान के हैं अ जापानी साइंटिस्ट ये 1942 में इन ये पैदा हुए थे इनको क्या मिला है प्रोटीन ऑन इम्यून सेल्स विच ऑल्सो ऑपरेट एज अ ब्रेक ऑन द इम्यून सिस्टम बट विद डिफरेंट ऑफ इम्फेक्शन थेरेपीज़ बेस्ड ऑन द डिस्कवरी प्रूफ टू स्ट्राइकिंग इफेक्टिव फाइटिंग अगेंस्ट कैंसर ये और ऊपर अभी हमने कहा एलिशंस जेम्स एलिशंस मिल करके इन्होंने इनको मेडिसिन में चूंकि एक ही टॉपिक पे काम किए हैं इनको मिला है नेक्स्ट देख लेते हैं नोबल प्राइज फिजिक्स में फिजिक्स में नोबल प्राइज़ किस मिला है फिजिक्स में तीन लोगों को मिला है तो पहले हैं ऑर्थर ऑस्किन को मिला है ही इज अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं नाइन्टी सिक्स ईयर ओल्ड हैं ही इज़ ओल्डेस्ट नोबल प्राइज लिटरेट इन इन हिस्ट्री अब तक के सबसे ओल्डेस्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे अब तक के सबसे ओल्डेस्ट जो हैं वो कौन से थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है तो ऑर्थनऑस्कीन है इनको फिजिक्स में मिला है ठीक है ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द इन्वेंशन ऑफ ऑप्टिकल ट्वीज़र इनको सिर्फ आप इतना याद करो कि फिजिक्स में जो दिया गया है तीन लोगों के ऑप्टिकल ट्विज़र की वजह से ऑथर ऑस्किन और को दिया गया है ठीक है दिस डिवाइस इज एबल टू ग्रैप प्राक्टिकल एटम्स वायरस एंड अदर लिविंग सेल्स एंड मोर देन द विद लेजर वीम्स फिंगर्स तो लेजर वीम की तर, की वजह से इन्होंने ऑप्टिकल ट्वीज़र का इस्तेमाल करके एक ऑप्टिकल ट्वीज़र निकाला है तो उसकी वजह से इनको मिला है नेक्स्ट देख लेते हैं फिजिक्स में किसको मिला है डोना स्ट्रिकलैंड डोना स्ट्रिकलें कैनेडियन फिजिस्टीन से हैं सी अलॉन्ग गैरोल्ड मोसोकी गिवेन टू फिजिक्स नोबेल प्राइज क्रिएशन ऑफ अल्ट्रासाउंड हाई इंटेंसिटी लेजर पल्स विदाउट डिस्ट्रॉन्ग एम्पलीफे मटेरियल्स द टेक्निक कॉल्ड चेर पल्स एम्प्लीफिकेशन विच हैज़ बिकम द स्टैंडर्ड फॉर हाई इंटेंसिटी लेजर तो इनको देखिए एम्पलीफिकेशन यानी कि लेजर पल्स के लिए मिला है जेराल मोरू और दोनों लोग को साथ में मिला है ठीक है डोना स्ट्रिकलैंड यानी तीन लोगों को फिजिक्स मिला है गैराल मोरो जो है ये हैं ये फ्रेंच साइंटिस्ट है वर्किंग फील्ड ऑप्टिकल साइंस ठीक है ही वॉज फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल अल्ट्रा फास्ट ऑप्टिकल साइंसिस के हैं ये और ही इज अ पॉइंट द स्टडी ऑफ अल्ट्रा फास्ट लेजर एंड देयर अपलीकेशन साइंटिस्ट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल देखिए इनको और ये डोना uh, स्ट्रिकलैंड को साथ में ही मिला है ठीक है तो ये लेज़र की अल्ट्रा साउंड हाई इंटे, uh, हाँ इंटेंसिटी लेज़र पल्स विदाउट डिस्ट्रॉइंग द दे एम्पलीफिकेशन मटेरियल देखिए एम्पलीफिकेशन मटेरियल को बिना डिस्ट्रॉइंग किए हुए बिना डिस्ट्रॉ किए हुए ये अल्ट्रा हाई इंटेंसिटी लेज़र पल्से को जनरेट किया है ऐसे कर सकते हैं आप तो इनको इसमें मिला है तीन लोगों को अब हम बात करते हैं कि नोबल प्राइज़ विनर इन केमिस्ट्री केमिस्ट्री में भी तीन लोगों को मिला है फ्रांसिस एच एनॉल्ड को मिला है ये क्या है सी इज़ अ प्रोफेसर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एट द कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉर्न इन 1956 इन पीटर्सबर्ग यूएसए पीटर्सबर्ग से ये हैं एंड टू थाउजेंड एटीन केमिस्ट्रियल फॉर हर वर्क फॉर डायरेक्टेड इवोल्यूशन ऑफ एंजाइम एंजाइम के वजह से मिला विच आर द प्रोटीन दैट कैलटिस कैटलिस मैकेमिकल रिएक्शन तो आप कह सकते हैं इनको इवोल्यूशन ऑफ़ एंजाइम की वजह से मिला है ठीक है दिस एंजाइम आर यूज टू मैन्युफैक्चर एनवामेंट फ्रेंडली केमिकल सब्सटेंस लाइक फार्मास्यूटिकल्स रिनील्स फ्यूल्स एक्सेट्रा तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट इन्होंने चीज़ें उस एनजाइम का विकास किया तो फ्रेंस एच एनोलॉल्ड को केमिस्ट्री में मिलता है नेक्स्ट आ जाते जॉर्ज पी स्मिथ जॉर्ज पी स्मिथ जो होते हैं हिज अमेरिकन साइंटिस्ट बॉर्न इन 1941 उन्होंने uh, 2018 केमिस्ट्री में मिलता है अवार्डेड टू हिम फॉर डेवलपिंग एन एलिगेंट मैथड नोन एज अ फेज डिस्प्ले तो इनको जो केमिस्ट्री में मिला है फेज डिस्प्ले की वजह से मिला है वेयर बैक्टोरियल वायरस दैट इज़ इनफेक्ट बैक्टीरिया कैन बी यूज रिवॉल्व ड्यू पॉइंट्स ठीक है गाइज आपको सिर्फ क्या करना है कि आप वीडियोज़ को देखिए आप राइटर के नाम लिखिए नाम के आगे किस वजह से मिला है वो लिखिए हिंदी का भी हम करेंगे नीचे तो आपको और समझ में आ जाएगा ये इंग्लिश मीडियम के लिए है तो फेज डिस्प्ले के लिए सिर्फ इनको मिला बस इतना समझिए एग्जाम में इतना ही पूछेगा उसके बाद नेक्स्ट जो होते हैं सर ग्रेगरी पी वेंटर के लिए मिला है हेज़ अ बायो केमिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड वो इंग्लैंड के हैं इनको किस लिए इवोल्यूशन ऑफ एंटीबॉडीज एवोल्यूशन ऑफ़ एंटीबॉडी यूजिंग द फेज डिस्प्ले इन्होंने फेज डिस्प्ले का यूज़ करके सके एवोल्यूशन ऑफ एंटीबॉडी मेथड जॉर्ज पी स्मिथ जॉर्ज पी स्मिथ के साथ यानी इनके साथ मिल करके ये जॉर्ज पी स्मिथ और ये दोनों लोग मिल कर के इनको कंबाइन में मिला है तो गाइज़ एक चीज़ मैं और बता दूँ नोबेल प्राइज़ तीन लोगों से ज़्यादा कंबाइन किसी को नहीं मिलता है तीन लोग मैक्सिमम होते हैं और इस बार जो खास नोबेल प्राइज़ ये रही है कि इस बार के नोबेल प्राइज में लिटरेट में यानी साहित्य में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया इनकी पाँच ही फील्ड में दिया गया है तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है तो वो किस में मैंने नहीं मिला है नोबल प्राइज़ साहित्य के क्षेत्र में दो नोबेल प्राइज़ विनर पीस नोबेल प्राइज़ जो विनर पीस में दो लोगों को मिला है नाजिया मुराद जो थी नाज़िया मराद सी इज़ अ यजदी वमेन इन बॉर्न इन इराक जो कि यजदी हैं इराक में इनका जन्म होता है सी वॉज़ कैप्चर्ड एंड मेड अ सेक्स लैफ्स बाय द आइसिस सी नाउ इन लाइफ जर्मनी जो आईसीस है आपको पता है सीरिया इराक़ में वहाँ पे उन्होंने उन्होंने इनको कैप्चर कर लिया था सॉरी उन्होंने इनको कैप्चर कर लिया था तो सेक्सुअली इनके साथ हरासमेंट किया गया था तो इस वजह से उन्होंने फिर क्या किया सी वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर द शेयरिंग हर अकाउंट ऑफ सेक्शुअल वायलेंस फेस बाय द हर मेनी अदर्स कैप्चर वुमेन एंड ब्रिंगिंग इट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ही क्रिमिनल क्लाउड इज़ हेल्ड अकाउंटेबिलिटी एंड ब्रॉड टू जस्टिस इन्होंने क्योंकि इनके साथ बहुत ज़्यादा जाति वहाँ पे हुई और इसके लिए कि इन्होंने आवाज़ उठाई और सेक्सुअल वायलेंस क्या होते हैं उसके बारे में उन्होंने लोगों को जागरूक किया और चारी चीज़ें बताई और आज भी इस समय में ये जर्मनी में रहती हैं इनको पीस के लिए नोबल प्राइज़ मिला है उसका डैनिस मुकेवे मुकवेज या मुकवेजे जो भी आप पढ़ सकते हैं प्रोनान्शिएशन गलत हो सकता है ये हैं बॉर्न इन 1955 ही इज़ अ कॉन्गोलीस हैं द नोबेल प्राइज इज़ टू रिकॉग्नाइज़ हिज़ वर्क हेल्पिंग द विक्टिम ऑफ द सेक्सुअल वॉर क्राइम्स एंड हेल्पिंग टू फेस दैम द ट्रामा एंड गेट बैक टू हर फीट इन्होंने एक्चुअली क्या किया था कि सेक्सुअल वॉर क्राइम्स जो होते थे जितने भी आ, कह दो कि जो रेप जिनके हो जाते थे या सेक्सुअली जो हरास्ड होती थी उनको ये इनका एक ट्रामा सेंटर भी होता था ये एक तरह डॉक्टर कह लो जो हैं इनकी क्लिनिक या कुछ हॉस्पिटल टाइप का ऐसा समझिए वहाँ पर फ्री में ये क्या करते हैं उनको सर्विसेज uh, प्रोवाइड करते हैं ही फाउंडेड एंड वर्क इज़ अ पौन्जी हॉस्पिटल इन बुकावू वेर इज स्पेसलिस्ट इन द ट्रीटमेंट फॉर वुमेन हु हैव बीन रेप्ड बाई आर्म रेबल्स ठीक है तो बता रहे हैं आर्म रेबल के थ्रू जो रेबड वमेंस होती हैं या सताई हुई वूमेन्स होती हैं उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं नेक्स्ट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक्स में दो लोगों को मिलता है विलियम डी नॉर्थस इज अमेरिकन इकोनॉमि नाइनटीन फोर्टी वन में ही वॉज अवॉर्डेड टू थाउजेंड एटीन नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फॉर इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट चेंजे इन टू लॉन्ग रन माइक्रो इन इकोनॉमिक एनालिसिस ठीक है तो ये क्या कहते हैं ये क्लाइमेट चेंजेज में इन्होंने इकोनॉमिक के बारे में अब क्वेश्चन पढ़ने में आपको अजीब लग रहा है कि फॉर इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट चेंज इन टू लॉन्ग रन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिस ही क्रिएटेड इंटीग्रेटेड असेसमेंट मॉडल दैट इज़ अ क्वान्टिटेटिव मॉडल दैट डिस्क्राइब्स द ग्लोबल इंटरकनेक्शन बिटवीन द इकोनॉमी एंड द क्लाइमेट इन्होंने इकोनॉमी और क्लाइ क्लाइमेट के बीच में इतना एक एक बैलेंस रिलेशनशिप को बनाया है और बताया इकोनॉमी कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं तो इसकी वजह से इनको नोबेल uh, प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक में अर्थशास्त्र में पॉल एम रोमर को जो मिला है इज़ अमेरिकन इकोनॉमि बॉर्न इन 1955 में फाइव मेंज़ अवार द फॉर द इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन टू लॉन्ग रन माइक्रो एनालिसिस इनको और ये इनको दोनों लोगों साथ में मिला इकोनॉमी में ठीक है उसके बाद गाइज़ ये इंग्लिश के हमारे कंप्लीट होते हैं अब चलिए हिंदी में देख लेते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है हो सकता है आपको एग्ज़ाम में पूछ ले कि सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ इस बार किस कंट्री के देश के लोगों को मिला है तो आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा जो मिला है अमेरिकन लोगों को मिला है एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा फील्ड है जिसमें इकोनॉ जिसमें इस बार नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया है वो रहा है आपका लिटरेची लिटरेसी में यानी कि साहित्य में इस बार नहीं मिला है तो चलिए हिंदी में बहुत जल्दी जल्दी देख लेते हैं हिंदी में देखिए क्या है मैं फिर से पढ़ देता सत्ताईस नवंबर उन्नीस सौ पचासी को अल्फ्रेड नोबल ने अपनी आखिरी इच्छा और मृत्यु पत्र हस्ताक्षर किए भौतिकी रसायन विज्ञान और फ्योलॉजी यानी जीव आ, केमिस्ट्री में साहित्य शांति तो नोबेल पुरस्कार वितरण दो हज़ार एक नौ में किया गया था ठीक है सत्ताईस नवंबर को उन्होंने अपनी मृत्यु पर हस्ताक्षर किए थे नाइनटीन सिक्सटी एट में जो हुआ था कि इकोनॉमी में भी देना स्टार्ट कर दिया गया था नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा हाल ही में पांच विभिन्न क्षेत्रों में दी गई थी अर्थात फिजियोलॉजी में फिजिक्स में केमिस्ट्री में चिकित्सा में और भौतिकी रसायन विज्ञान शांति और आर्थिक में दिया गया है ठीक है तो नोबेल प्राइज़ आप देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं पाँच लोगों का तो फिजियोलॉजी और चिकित्सा में जो मेडिसिन में जो मिला है वो रीज़न क्या रहा था नकारात्मक प्रतिरक्षा बिनि विनिमयन के अवरोध से कैंसर थेरेपी की खोज के लिए ठीक है तो मेडिसिन में जो मिला है कैंसर थेरेपी की खोज के लिए मिला है विजेता है जेम्स पी एल्यूशन और सुकु होंजो मिला है ठीक है ये दोनों कहाँ के हैं होंजो जो हैं जापान के हैं और एल्यूशन जो है अमेरिका के हैं भौतिकी में मिला लेज़र भौतिकी के क्षेत्र में ग्राउंड ब्रेकिंग्स आविष्कारों के लिए ऑप्टिकल चिमिटी और जैव प्रलाड़ियों के लिए उनके योगदान के लिए दिए गए हैं इसके तीन लोगों को मिला है ऑर्थन ऑस्किन गेराल्ड मोरो और डोना स्ट्रिकलैंड्स को मिला है रसायन विज्ञान में सॉरी माफ़ करिएगा रसायन विज्ञान में जो मिला है एंजाइमों को निर्देशित विकास के लिए और पेप्टाइड्स और एंटीबॉडी के फेज डिस्प्ले के लिए फेज डिस्प्ले याद रखिएगा रसायन विज्ञान के लिए फ्रांसिस एस एनॉल्ड को जॉर्ज पी स्मिथ और सर ग्रेगरी इंटर को यानी तीन लोगों को रसायन विज्ञान मिला है साहित्य में चूंकि इस बार नहीं मिला है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछेगा किस फील्ड में नहीं मिला है तो साहित्य में नहीं मिला है शांति का जो मिला युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के हथियार के रूप में यौन हिंसा के उपयोग को समाप्त करने के उनके प्रयासों के लिए दिया गया है डेनिस मुकवेस को और नादिया मुराद को दिया गया है आर्थिक विज्ञान में इकोनॉमिक लंबे समय से चलने वाले व्यापक आर्थिक विश्लेषण में जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करने के लिए तथा लंबे समय से चलने वाले व्यापक आर्थिक विश्लेषण में तकनीकी नव विचारों को एकीकृत करने के लिए दिया गया इसमें किसको किसको दिया गया विलियम नॉर्ड नॉर्ड हॉस को और पॉल रोमर को दिया गया है तो गाइज़ यहाँ पे ये कंप्लीट होता है नोबेल प्राइज़ पूरा का पूरा हिंदी इंग्लिश में आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा कंटेंट अच्छा लगे तो उसको लाइक like करते रहिए शेयर करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग